मदनी का बयान आया कि वो पागल लोग थे, तो फिर सरकार बोले अरे वो तो पागल थे, तो बाकी अच्छे मुसलमान बैठे हुए हैं इसका मतलब, तो बुलाओ भाई दूसरे पहलवान को बुलाओ। साला बैठा क्यों रहेगा? मदनी ने कहा कि वो तो पागल जमा हुए थे महाराष्ट्र में, तो इसका मतलब अभी अच्छे लोग बैठे हुए। जांच करा हुआ, चेकअप लगाया, वो चेक ही हो रहा है ना, सबका बयान ले लेके, पैरामीटर है ये, चेक होता है। हाँ तो अब दूसरा पहलवान आया यती नरसिम्हानंद, अब मुसलमान सड़क पर उतरा, अब ये पागल उतरा कि अच्छा उतरा? फिर मदनी साहब दोबारा जाकर पूछना पड़ेगा कि अब जो जो उतरे सड़क पर वो पागल हैं या अच्छे हैं? मदनी साहब अगर बोलेंगे नहीं ये भी पागल हैं, तो एक पहलवान और उतारा जाएगा। माँ बहन की गाली आपको घर पे घुस के दी जाएगी। जब तक देश डूब नहीं जाएगा, पूरा इतिहास उठाकर देख लो, नेहरू से लेकर लालू तक, लालू से तेजस्वी तक, हमने तो कभी मुसलमानों के लिए बात ही नहीं की, हमने आज तक मुसलमानों की बात नहीं की। ओवैसी रो रो कर बोलता रह गया, भाई हम तुम्हारे नेता हैं। मुसलमानों ने नारा तो लगाया मगर वोट नहीं दिया। बोला ना 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 ना, हमारा नेता अखिलेश हो सकता, आप नहीं हो सकते हो। हमारा नेता हमारा बहन जी हो सकती है, आप नहीं हो सकते हो। हमारा नेता लालू जी का जो बेटा है छोटा सा तेजस्वी हो सकता, आप नहीं हो सकते हो। ये इतिहास है, और ये नैरेटिव भी इस देश में खूब पहला गया। अभी मैं एक बड़े चैनल पर पॉडकास्ट पे, सुनिए, अभी एक चैनल पर मेरा इंटरव्यू है, 2,30,000 चला, दिखा दूंगा आपको। पॉडकास्ट पर मैं गया था, यही सवाल आया था कि शरिया से चलेगा देश या संविधान से? मैंने कहा संविधान से, शरिया से तो कभी चला ही नहीं। तो बोले क्यों, शरिया से तो चल रहा। मैंने कहा कैसे चल रहा, जरा सा हमको समझाइए। एक हिंदू मोटरसाइकिल लेकर निकला, एक मुसलमान लेकर निकला, दोनों लाल बत्ती पर गया, रेड लाइट, दोनों जंप कर गया, दोनों का चालान एक जैसा होगा या दो जैसा होगा, बताइए हमको? बोले एक जैसा। हमने कहा एक हिंदू ने किसी की हत्या कर दी, एक मुसलमान ने हत्या कर दी, दोनों पर धारा 302 लगेगा या कुछ और लगेगा, ये बताइए? 302 लगेगा यार, सारे मुकदमे तो एक जैसे हैं, तो शरिया कहाँ है बीच में? तो मुंह देखने लग गए, बोले शादी। मैंने कहा वो भी संविधान में, जो पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, अंधभक्तों को कान खोलकर सुनना चाहिए, हिंदू पर्सनल लॉ भी है, सिख पर्सनल लॉ भी है, ईसाई पर्सनल, हद ये है, माइक्रो माइनॉरिटी, अभी जो रतन टाटा मरे हैं पारसी, भारत में माइक्रो माइनॉरिटी सबसे छोटा अल्पसंख्यक है, जिसकी संख्या हजारों में है, लाखों में भी नहीं है, उसका भी पर्सनल लॉ है, तो क्या पारसी से चल रहा है, बाइबल से चल रहा है, गुरु ग्रंथ साहब से चल रहा है, गीता से चल रहा है? अरे भाई इसी संविधान ने पर्सनल लाइफ जीने के लिए, पति पत्नी को पप्पी लेगा तो संविधान में बताएगा, बंद कमरे में, बच्चे को तो बताता ही नहीं है, सर खिड़की दरवाजा बंद कर लेता, गधे तुमको इतनी अकल नहीं है कि कुछ पर्सनल लाइफ होते हैं उसके लिए संविधान ने छूट दे रखा, बंद कमरे में हम खा के आ रहे हैं, ये चाहते हैं कि नहीं? किचन के अंदर इन्होंने घुस के किया, फ्रिज में घुस के हमला किया, किचन में घुस के हमला किया, और अभी मोदी के ट्रेन में मैं खा के आया हूँ, जोर से बोल रहा हूँ, और बोल के आया ट्रेन पर। मैंने कहा अभी रामपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक महिला का, जिसकी बच्ची की शादी थी 5 अक्टूबर को, या 6 नवरात्र किस दिन शुरू हुआ था, 7 को 3 को, तो 5 अक्टूबर को शादी थी, उसे मीट बनाने की अनुमति नहीं दी गई बारातों को खिलाने के लिए, और मोदी के ट्रेन में आज बोल रहा हूँ देश के हिंदुओं को, जाकर देखो अभी ट्रेन के अंदर, जिस ट्रेन पर बैठना चाहो जाकर बैठ लो, चिकन मिल रहा है और अंडा मिल रहा है, और एक अंडा नहीं, एक अंडा, दो अंडा, वो बेचने जो आता है अंडा का बिरयानी, अंडा बिरयानी, तो वहां बिरयानी नहीं है, मोदी का ट्रेन है ना भाई, मजे लो खूब, मोदी का ट्रेन है, कौन बोल दिया देश का, वंदे भारत किसका है, देश का है, मोदी का ट्रेन है, जितने लैटरिन टूटे मिलेंगे आपको मोदी जी का ट्रेन मिलेगा, सीट टूटे, खटमल, कॉकरोच सब लाया हूँ इस बार मैं, कॉकरोच को ट्रेन में चलते देखा मैंने, सारे वीडियो लिए, चूहा को दौड़ते देखा वो भी वीडियो लिए, लैटरिन बाथरूम के हालात का भी वीडियो लिया, और भीड़ का वीडियो तो आप लोग जब चाहिए तो ले लीजिए, मगर देश विकास कर रहा क्या कीजिएगा साहब? अरे अब्दुल का टाइट हो गया नट, अब क्या चाहिए आपको इससे आगे? तो बदनामी देने में आप कोई कमी नहीं, देश का क्यों बदनामी होगा? और कभी कमी लाए ना, कमियां हैं तो लो, मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरे मकान में कमी होगी तो हम नहीं स्वीकार करेंगे, मेरे बेड में खटमल होगा तो हम इलाज करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वंदे भारत में कुछ अच्छा नहीं मिला आपको? नहीं, वंदे भारत में क्यों, मेरी औकात कहाँ जाने की जो हम जाएंगे, तो नाम हमने ले लिया, हम तो खटमल वाले में आए थे तभी तो वीडियो लिया। अच्छा। जो गरीबों का ट्रेन है उसमें तो मच्छर, खटमल, कॉकरोच, जो चाहिए सब मिलेगा आपको, अब तो हद है कि चूहा भी मिल जाएगा। तो परिस्थितियां मैं देश को यह बताना चाहता हूं, देश के लोगों ये जो माइंड है क्या है, जब जब आप अपने अधिकार की बात करोगे आपको हिंदू मुसलमान में झोंका जाएगा, 100% झोंका जाएगा, और ये बयान दिया हुआ नहीं गया है, ये बयान दिलवाया गया, और कितने दिन का गैप है वो देख लीजिए, फिर नाप लीजिए, रामगिरी के बयान के बाद कितने महीने हुए,
बस जैसे वो एक जुलूस निकला, जुलूस के बाद दम टूट गया, मदनी का बयान आया कि वो पागल लोग थे, तो फिर सरकार बोले अरे वो तो पागल थे तो बाकी अच्छे मुसलमान बैठे हुए, इसका मतलब तो बुलाओ भाई दूसरे पहलवान को बुलाओ, साला बैठा क्यों रहेगा। मदनी ने कहा कि वो तो पागल जमा हुए थे महाराष्ट्र में, तो इसका मतलब अभी अच्छे लोग बैठे हुए। जांच कराऊंगा, चेकअप लगाया, वो चेक ही हो रहा है ना, सबका बयान ले लेके पैरामीटर है ये, चेक होता है। हाँ तो अब दूसरा पहलवान आया यती नरसिम्हानंद, अब मुसलमान सड़क पर उतरा, अब ये पागल उतरा क्या अच्छा उतरा, फिर मदनी साहब दोबारा जाकर पूछना पड़ेगा कि अब जो उतरे सड़क पर वो पागल हैं या अच्छे हैं। मदनी साहब अगर बोलेंगे नहीं ये भी पागल हैं तो एक पहलवान और उतारा जाएगा। माँ बहन की गाली आपको घर पे घुस के दी जाएगी। जब तक देश डूब नहीं जाएगा, गिरी युद्ध नहीं देश में हो जाएगा, देश का बहुसंख्यक जब समझेगा ही नहीं तो होगा वही जो होना है, क्योंकि देश में देश को पथ पर लाने की जिम्मेदारी अल्पसंख्यकों की नहीं है, कतई नहीं है। अल्पसंख्यक आज भी बहुसंख्यकों के अधीन है, पूरा इतिहास उठाकर देख लो, नेहरू से लेकर लालू तक, लालू से तेजस्वी तक, हमने तो कभी मुसलमानों के लिए बात ही नहीं की, हमने आज तक मुसलमानों की बात नहीं की। ओवैसी रो रो कर बोलता रह गया भाई हम तुम्हारे नेता हैं, मुसलमानों ने नारा तो लगाया मगर वोट नहीं दिया। बोला ना 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 ना, हमारा नेता अखिलेश हो सकता आप नहीं हो सकते हो, हमारा नेता हमारा बहन जी हो सकती है आप नहीं हो सकते हो, हमारा नेता लालू जी का जो बेटा है छोटा सा तेजस्वी हो सकता आप नहीं हो सकते हो। ये इतिहास है, लोग टीवी पर आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा सुन लीजिएगा, 42% आसाम में मुसलमान है, बाप रे बाप, ये पॉपुलेशन जिहाद, 42% मुसलमान है और भाजपा की सरकार है, ये भी सोचने की बात। 42% मुसलमान है और कई साल से 3-15 साल वहाँ भी अब होने वाला, भाजपा की सर्वानंद सोनोवाल से लेके और ये जो नया ड्रामेबाज मुख्यमंत्री अभी है, क्या नाम है उसका, विश्व शर्मा, ठीक है, ये एक दिन भी विश्व शर्मा ने रोड के ऊपर कोई बयान दिया हो। बाढ़ और सुखार इस देश की इतनी बड़ी विभीषिका है, अभी मैं बिहार से आया हूँ, आधा बिहार डूबा हुआ है, आधा बिहार सूखा हुआ है, धान डूब गया, मक्का डूब गया, कोई चर्चा नहीं होगी, सब अब्दुल की वजह से हो रहा। अगर वो एक हमारे, मैं जिस जगह का हूँ वहाँ के सांसद हैं गिरिराज सिंह, ठीक है, तालब शो मुर्दनी सौ डंटी सौ हम लोगों को हिंदी में पढ़ाएगा, तो मगर उनको सिर्फ तालब शो पढ़ाएगा, बेगूसराय पाकिस्तान मुसलमान, वो अगर मुसलमान वो बोलते तो 1,00,000 रुपया इनाम दूंगा। अच्छा। वो टोटल बड़ी शीन तालब शो बोलते हैं। अच्छा। तो अभी भी उनका यही कहना है ये बाढ़ जो आया मुसलमानों की वजह से आया है। अच्छा। अगर मुसलमान 47 में पाकिस्तान चला जाता तो बाढ़ ना आता। अरे गिरिराज सिंह जी, वाजपेयी जी ने कहा था कि मैंने रिवर को कनेक्ट कर दीजिए, नदियों को जोड़ दीजिए, बाढ़ की विभीषिका कम हो जाएगी। आप उस पर तो अमल कर नहीं रहे हो, आप कह रहे हो कि इसका भी मुसलमान ही है। और मोदी के ट्रेन में आज बोल रहा हूं देश के हिंदुओं को, जाकर देखो अभी अभी ट्रेन के अंदर, जिस ट्रेन पर बैठना चाहो जाकर बैठ लो, चिकन मिल रहा है और अंडा मिल रहा है।